स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पर। आज की वीडियो दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में कौन सी तारीख को अर्थ आवर अभियान मनाया गया। मार्च 2022 में कौन सी तारीख को अर्थ आवर अभियान मनाया गया, तो 26 मार्च को जो है अर्थ आवर अभियान मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को किस देश के जलमार्ग के साथ जोड़ा गया है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस देश के जलमार्ग के साथ जोड़ा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को जोड़ा गया है बांग्लादेश के जलमार्ग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन कब हुआ। हाल ही में हुआ था दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन जो है 4 मार्च को 54 वर्ष की उम्र में हुआ। उनकी जो आत्मकथा थी, उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसका नाम है नो स्पिन। याद रखा जाए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नो स्पिन उनकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ। 4 मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद के अंदर 4 मार्च 2022 को खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। याद रखा जाए दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्च 2022 को अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था दोस्तों। ई विधान एप्लीकेशन, याद रखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, असम को, असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22 मार्च 2022 को बिहार में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखा जाए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को बिहार में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। और याद रखा जाए, बिहार की स्थापना सन 1912 में हुई थी। 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, याद रखा जाए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर लगने वाला है। तो देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में लगने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर, इस वीडियो में दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट तमिलनाडु में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विलोपन सेंटर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। किस विलोपन सेंटर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस विलोपन सेंटर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। तो जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम है दोस्तों, अपने को गुजरात नाम याद रखना है, गुजरात राज्य में की थी, याद रखा जाए दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी से 7 मार्च के बीच में कुल कितने राज्यों में विधानसभा निर्वाचन संपन्न हुए। फरवरी से 7 मार्च के बीच में कुल कितने राज्यों में विधानसभा निर्वाचन संपन्न हुए, तो पांच राज्य में संपन्न हुए। कौन कौन से थे दोस्तों, वह पहला था गोवा, उत्तराखंड, गोवा
गोवा में हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे, और पंजाब में हुआ था। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, एक मणिपुर में हुआ था। मणिपुर पांचवा आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में बताना है पांचवा। तो फरवरी, 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में कुल कितने राज्यों विधानसभा निर्वाचन हुए? 5 राज्यों में हुए दोस्तों, 4 मैंने आपको बता दिए हैं, पांचवा आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में पहली बार पंजाब राज्य में आम आदमी सरकार बनी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार जो है पंजाब राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पंजाब राज्य के अंदर प्रथम बार आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरलिना विलास्का का मिस वर्ल्ड 2021 किस देश से है? केरलिना विलास्का मिस वर्ल्ड 2021 किस देश से है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोलैंड देश से है वो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में 23 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे क्रिकेट में 23 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, याद रखा जाए झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 136वां स्थान है विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, भारत का 136वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? किस देश ने विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वह देश फिनलैंड है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूएएन स्थायी विकास नेटवर्क के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, याद रखा जाए दोस्तों, यूएएन स्थायी विकास नेटवर्क, यूएएन स्थायी विकास नेटवर्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो विल स्मिथ ने जीता था, माफ करिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जेसिका चेस्टेन ने जीता था, और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब चैन के पी ने जीता था। विश्व ऑस्कर अवार्ड 2022 दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है ड्राइव माई कार, याद रखा जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव माई कार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में किस टाइगर रिजर्व में आग लगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर आग लगी थी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनईपी के एनुअल पेंटिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर जो है वो ढाका है। ढाका बांग्लादेश में स्थित है दोस्तों, बांग्लादेश में स्थित है ढाका, याद रखा जाए, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण यहीं होती है दोस्तों। यूएनईपी की एनुअल पेंटिंग रिपोर्ट के 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर ढाका है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो राइटिंग विथ फायर, याद रखा जाए दोस्तों, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को 2022 को 22 के लिए नामांकित किया गया? तो राइटिंग विथ फायर को किया गया। तो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियोस मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।